हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दाल मखनी और जीरा राइस, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। वैसे तो दाल मखनी नान के साथ खाना बहुत लोग पसंद करते हैं, पर यकीन मानिए ये जीरा राइस के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। एक बार खाकर ज़रूर देखिए। तो हमने लिया है थोड़ा सा राजमा, जो कि हमने 12 घंटे के लिए रात पर भिगो दिया था राजमा को, और छिलके वाली मूंग का दाल और काला उड़द दाल दोनों मिक्स है। ये हमने भिगोया नहीं है पानी में, इसे अच्छे से धो लेना है। बस 3-4 पानी से हम धो लेंगे अच्छे से इसे, इस दाल को। आप चाहें तो सिर्फ मूंग दाल और राजमा से भी बना सकते हैं, पर छिलके वाली मूंग दाल होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बॉयल करते हैं दाल को। तो दाल को हमने अच्छे से धो लिया है, कुकर में डाल लेना है हमें। और ये देखिए राजमा भी हम इसी में डाल लेंगे, दोनों को एक ही साथ मिक्स करके बॉयल कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। हमने इसमें 2 बड़ा गिलास पानी डाल लिया है, क्योंकि मूंग के दाल में पानी थोड़ा सा ज़्यादा सोखता है, तो दाल जले ना इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखें। अब इसमें हम डाल लेंगे नमक और 2 तेज़पत्ता डालेंगे इसमें, और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगाना है इसे। तो चलिए अब हम लेते हैं टमाटर, प्याज और लहसुन, और इसका हमें अच्छा से पेस्ट बनाना है। और यहाँ पे दाल बॉयल हो चुका है, देखिए 3 सीटी लगाया था हमने, कितना अच्छा पक चुका है। और ये मेरे मसाले भी पीस कर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम मसाले को भूनेंगे। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, ये देखिए हम डाल लेंगे तेल 1 चम्मच। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, और उसके साथ बटर डाल लेंगे। ये देखिए बटर हम लास्ट में डाल रहे हैं, पहले तेल या घी, क्योंकि बटर जल जाता है तो बटर को हमें जलाना नहीं है। और हमने डाल लिया है 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और जीरा। अब सबसे पहले हम प्याज लहसुन का पेस्ट को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने डाल लिया है, इसे 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम टमाटर का प्यूरी जो पीस कर रखा हुआ है वो भी। चाहिए, क्योंकि
ठंडा पानी डालने से दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो हमने पानी अपने हिसाब से डाल लिया है। आप अपने हिसाब से पानी डाल लें कि कितना गाढ़ा दाल पसंद है आपको। और गैस का फ्लेम यहाँ पे हमने स्लो रखा हुआ है। और ये देखिए, दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, स्लो आंच पे ही इसे पकने देंगे। इसी तरह अभी यहाँ पे हम डाल लेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पत्ती कटा हुआ डाल लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे नमक भी डाल लेंगे हम। वैसे तो नमक हमने बॉईल करते समय दाल में डाल लिया था, लेकिन मसाले में नमक हम नहीं मिलाए थे, तो इसलिए थोड़ा सा नमक और डाल लिया हमने। तो ये देखिए, दाल लगभग रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी इस तरह से हाथों पे क्रश करके डाल लेंगे। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब हम गैस को बंद कर लेंगे और चलिए अब हम तड़के का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे लिया है हमने बटर और बड़ी बड़ी हरी मिर्च, 4-5 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई, जीरा। जीरा डालने के बाद जीरा, लहसुन और मिर्ची को हम थोड़ा सा तड़कने देते हैं स्लो फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल लेंगे चुटकी भर हींग। और हींग डालने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल लेंगे इसमें। आप चाहें तो तीखा लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आप कितना तीखा पसंद करते हैं खाना, उस हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हैं।